contraceptive methods, right, for prevent pregnancy. And then we see already seen MTP, medical termination of pregnancy. Today we will see sexually transmitted infections, means STIs, or we can say sexually transmitted disease, means STDs. Means what? While we having sex, जो भी डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर बिकॉज वन पार्टनर हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मीन्स की इन्फेक्शियस डिजीज. दिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज, बट ओनली वेन वी हैव सेक्स एट दैट टाइम दिस डिजीज विल बी ट्रांसफर, राइट. This disease known as also second name, that is sexually transmitted disease or reproductive infection, reproductive tract infection, सिम्टम्स मीन होते हैं वो सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल
इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज सिम्टम्स बहुत सारे हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, देन स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन। कि जेनिटल रीजन में ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी असिम्टमेटिक, राइट, कि इन्फेक्टेड फीमेल होती है वो असिम्टमेटिक होती है, उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, इसमें रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। कि फीमेल में लॉन्ग टाइम तक ये डिजीज का जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, दैट इज वाई वो लॉन्ग टाइम में कैसी होती है, अनइन्फेक्टेड होती है, उनको पता ही नहीं चलता तो उनको वो डिजीज हुआ है। बट अगर फीमेल में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है तो बहुत सीवियर बन जाता है कभी कभी, कि कंटिन्यू जो बेबी बॉर्न होता है वो मरा हुआ बेबी बॉर्न होता है, फिर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह ओविडक्ट में हो जाता है, राइट। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि कंटिन्यू एमटीपी होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, राइट। देन कभी कभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी हो जाता है, तो अगर फीमेल में ये डिजीज होता है तो बहुत सीवियर हो जाता है, ये आपको दिया है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सिस्टिक स्टिग्मा अटैक टू द एसटीएस डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन, राइट, एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। कि अगर आपको डिटेक्ट हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो किसी की भी वेट करने की जगह आपको तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए और उनका प्रॉपर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, तो वो क्योरेबल ही है, अनक्योरेबल नहीं है, राइट, वो डिजीज। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, अगर आप नहीं जाते ट्रीटमेंट के लिए इंस्टेंट तो आपके फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लाइक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, राइट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है। पीआईडी, देन अबॉर्शन, कंटिन्यू अबॉर्शन करवाना पड़ता है। स्टील बर्ड्स, कि स्टील बर्ड मीन्स के जो बेबी बॉर्न होता है वो डेड होता है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स व्हाट, कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने की जगह ओवीडक्ट में इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनइवन प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी सॉरी इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कैंसर भी हो सकते हैं। और अगर ये सब हुआ है तो फिर तो भी इसका क्योरेबल है, क्योर है, बट आपको प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, सजेशन लेनी चाहिए, और ऐसा डरना नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि मुझे ये क्या होगा, मुझे ये क्या होगा, राइट। सो इनका क्योर है, बट नॉर्मली ये जो डिजीज कॉज होता है वो नॉर्मल एज ग्रुप 15-24 एज के पीपल होते हैं उनमें होता है, एंड दैट इज वाई ऑलमोस्ट उन्हें क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है, दैट इज वाई वो क्योरेबल होता है। और ये जो डिजीज कॉज है, कॉजिंग है वो ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कॉन्डम का यूज है वो वाइल हैविंग सेक्स यू हैव टू यूज कॉन्डम, राइट, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। देन अननोन पर्सन के साथ या फिर मल्टीपल पर्सन के साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो तुरंत ही आपको डॉक्टर का सजेशन लेनी चाहिए, प्रॉपर उनका डिटेक्शन करवाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इनफर्टिलिटी टेस्ट मीन्स के वेरियस टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, कि अगर कोई कपल फर्टाइल नहीं है मीन्स के वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकता है तो अदर टेक्निक से, साइंटिफिक टेक्निक से वो बेबी बॉर्न कर सकता है, तो वो टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।